हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट। यहां पे आप देख रहे हैं कि टीजीटी की आवेदन शुरू हो चुकी है। अगर आपने बीएड कर लिया है तो आप इस आवेदन को फिल कर सकते हैं। यहां पे आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 29 तारीख से, ऑनलाइन शुल्क जमा हो करने की भी तिथि है 29 से, और आवेदन भाग पंजीकरण की 27 नवम्बर 2020 तक है। फिर लास्ट तिथि भी उसी दिन होगी। फिर सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 तारीख तक, यानी कि टोटल आपको मैं बता दूँ 1 मंथ का टाइम दिया गया है यहाँ पे टीजीटी वालों के लिए, यानी कि टीचर ग्रेजुएट टीजीटी है। चलिए, यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आ चुकी है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टीजीटी किस चीज़ के लिए होता है। अगर आप टीजीटी पीजीटी करना चाहते हो तो पीजीटी की भी वैकेंसी आई है और सेम डेट है और दोनों यूपी में है। तो आप चाहे तो पीजीटी के लिए, तो सेम एक्चुअल मैंने आपको ये भी बता के रख चुकी हूँ कि टीजीटी कहाँ भर सकते हैं और पीजीटी कहाँ। अगर आपने नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे ऑनलाइन के अलावा। फिर यहाँ पे देखिए, जितनी पद है वो घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। और फिर प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और उर्दू होगा, संस्कृत भी होगा। 18 फरवरी 2019 द्वारा में विहित के अनुसार और ये प्रशिक्षित स्नातक पत्र मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अभ्यर्थी आवेदन करने के अपनी पूर्व पात्रता सुनिश्चित कर ले। आवेदन करने की अंतिम तिथि पात्रों एवं शर्तों पर आधारित होगा। फिर यहाँ पे देखिए, EWS हैं अगर आप, तो आपको 10% का आरक्षण भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए, लेकिन बशर्ते कि आप यूपी के ही होने चाहिए। अगर आप बिहार राज्य से हो और भर रहे हो तो फिर आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ओनली जनरल में ही आ पाओगे। तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। आप अगर फिल करना चाहते हैं, आपने अगर बीएड कर लिया है, अगर नहीं भी किया है तो लास्ट ईयर में है, फिर भी आप एक एक बार एक्सपीरियंस के लिए भर लीजिए ताकि आपको इसका लेवल पता चल जाएगा। और लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टीजीटी के लिए मैंने एकदम एक एक्यूरेट वीडियो बनाई है जो स्पेशली टीजीटी के लिए है। 8 मिनट में मैंने उसको आपको पूरा समराइज किया। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख लोगे, आपको इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे परीक्षा 2020 के लिए अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिए, परीक्षा ये रजिस्ट्रेशन 3 चरणों में, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और फी फॉर्म सबमिशन। फिर प्रथम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मोबाइल नंबर, पता, शैक्षिक योग्यता देंगे। फिर है वर्तमान उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय तथा तदर्थ शिक्षक है, वो भी इस फॉर्म को चाहे तो फिल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फिर शुल्क होगा। देख लीजिए कितना शुल्क लग रहा है। तो EWS को 450 रुपये लगेंगे और फिर अनारक्षित यानी कि जनरल को 750 रुपये लगेंगे और फिर OBC को भी 750 यहाँ पे लिया जाएगा। बाकी सबसे SC ST हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। तो इस तरीके से कुछ है, उसका फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद अपना देख सकते हैं कि, और इसमें जितने भी पदों की संख्या है वो बढ़ भी सकते हैं, वो घट भी सकते हैं। अगर आप टीचर हैं ऑलरेडी तो आपको 1.7 अंक अधिकतम से 35 अंक, जितने पुराने टीचर होंगे आपको उतने अंक भी दिए जाएंगे, यानी कि आपको टोटल ये 500 अंकों का होगा। और देख लीजिए वहाँ पे जो होगा जैसे होगा आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूँ तो ये sarkaririzalt.com के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से जाइए। आप यहाँ पे वैकेंसी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से एक एक वर्ड को पढ़िए, तभी इस फॉर्म को भरें। तो टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आवेदन निकली है। आई होप कि आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल न्यूज होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।